गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? होप सो कि सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ और मस्त सी मॉर्निंग स्टार्ट हो गई है। तो आज मैं आप सभी को दर्शन कराने ले आया हूँ बद्रीनाथ धाम से, जो कि हमारे चार धामों में से एक प्रसिद्ध धाम बद्रीनाथ धाम, जो कि उत्तराखंड के चमोली जिले स्थित जोशी मठ में है। तो आप सभी मेरे साथ यहाँ बद्रीनाथ धाम के पूरे दर्शन करिए, पूरी जानकारी लीजिए और आपको मैं यहाँ के कुछ रहस्य और कुछ भविष्यवाणी जो हुई है वो बताना। तो साथियों, बिना टाइम वेस्ट करे अब चलते हैं सीधे धाम की ओर, जो कि बद्रीनाथ धाम हमारे विष्णु जी का धाम है। पहले वो शंकर जी का धाम हुआ करता था, उसके बारे में भी मैं आप सभी को बताऊंगा कि ये उनको ट्रांसफर कैसे हुआ या उन्होंने कैसे प्राप्त किया। तो आइए चलते हैं मंदिर की ओर। ये कुछ मार्केट पड़ती है, आपको प्रसाद कुछ माला वगैरह लेनी होती है उसके। तो आइए सभी दर्शन करते हैं बद्रीनाथ धाम से। और मैं आप सभी को बता दूं, भारत के उत्तर में जो हिमालय की बर्फ़ से ढकी हुई पर्वत श्रृंखला है ना, उनकी गोद में बसा हुआ ये बद्रीनाथ धाम है, पवित्र धाम है और हिंदू जाति के लिए परम पवित्र एवं पूजनीय तीर्थ स्थल है। तो आप सभी मंदिर में एंटर करने से पहले, ये तपत कुंड है यहाँ, जो कि जिसमें सभी लोग स्नान करके दर्शन करने के लिए जाते हैं मंदिर में। और यहाँ 12 के 12 महीने इतनी ठंड होने के बावजूद भी पानी खौलता हुआ दिखता है, जैसे कि आप भाप के माध्यम से देख रहे होंगे। मतलब कि एक ये मान लीजिए आप शरीर जल जाएगा अगर आप जाएंगे, पर सिर्फ जब तक आप एंटर करेंगे सिर्फ जब तक ही लगेगा, ये चीज़ मैंने महसूस। और मंदिर के लेफ्ट साइड में ये महिला कुंड है, जो कि महिलाओं के लिए आरक्षित है। और इस साइड ये, मतलब यानी कि राइट साइड, ये पुरुष के लिए आरक्षित है। यहाँ महिला नहीं नहा सकती और उधर पुरुष नहीं, तो इन दोनों के लिए अलग अलग जगह है। आप ये भाप देख रहे हैं, ये सिर्फ एक गर्म पानी की भाप है और लोग कितना आनंद लेके, देखिए मतलब इन्हें फील ही नहीं हो रहा कि इतना गर्म पानी भी है। पर जब आप बस सिर्फ, मतलब मैंने बताया ना, जितना बस आप एंटर करेंगे ना एक बार, उस समय आपको लगेगा कि हाँ मैं जल गया या शरीर मेरा जल गया। उसके बाद तो इतना आनंद आता है कि निकलने का मन नहीं कर रहा। आपको सीरियसली मैं बताऊँ, मैं पूरे एक घंटे नहाया हूँ, पूरा रिकॉर्ड है मेरे पास, पर मैं इस वीडियो में उसमें डाल नहीं सकता हूँ क्योंकि वीडियो फिर ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इसीलिए आप सभी आए अगर बद्रीनाथ धाम, तो हमेशा इस तपत कुंड में नहाकर ही दर्शन करें। जो आपकी रास्ते की, मतलब जर्नी की थकावट होगी या मेंटली प्रेशर होगा, मतलब कुछ भी एनीथिंग, सब यहाँ आके उसका हर एक चीज़ निवारण हो जाएगा। हमने पूरी रात ड्राइव की थी और हम इतने थके हुए थे, नींद आ रही थी, पर यहाँ नहा के सारी थकान दूर हो गई, सब कुछ। मतलब मैं कह रहा हूँ इसमें कुछ ना कुछ जादू है इस पानी में नहाने से। तो अगर आप में से कोई भी कभी भी इन द फ्यूचर या आप अभी जा रहे हैं, तो ज़रूर तपत कुंड में एक बार नहा के अपना अनुभव जरूर लें। और इस कुंड की यह मान्यता है कि यहाँ नहाकर स्किन की और बहुत सारी ऐसी, मतलब प्रॉब्लम जो होती हैं वो सभी, उन प्रॉब्लमों का निवारण हो जाता है। लोग बहुत दूर दूर से भी आते हैं, जैसे स्किन की प्रॉब्लम होती है या अन्य अन्य प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम बताई थी, मुझे याद नहीं है इतनी सारी क्या क्या प्रॉब्लम थी वहाँ पर लोगों ने, मैं मिला भी था उन लोगों से जिनको प्रॉब्लम थी, तो मैंने लिया। और मैं अब आप देख रहे होंगे सूर्य को नमस्कार करते हुए। साथियों अब चलते हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए, भगवान विष्णु से आशीर्वाद लेने के लिए। और मैं मंदिर के बाहर आकर देखता हूँ कि इतनी भीड़ और इतना बढ़िया मौसम हो रहा था, इतनी बढ़िया धूप निकली हुई थी, फिर मैं लग जाता हूँ थोड़ी देर बाद लाइन में। लाइन इतनी लंबी होती है, मैं आपको क्या बताऊँ, कम से कम 1.5 किलोमीटर लंबी लाइन थी। पूरा जो मैंने आपको शुरू में पुल दिखाया था ना, वहाँ उस पुल के भी पीछे से वो लाइन थी। पर वहाँ पुलिस वाले अंकल से थोड़ी सी रिक्वेस्ट करके हम बीच में लगे लाइन के, क्योंकि हमें थोड़ा सा जल्दी भी आना था, हमारे साथ टाइम का इशू था, क्योंकि हमने ना सिर्फ केदारनाथ का प्लान बनाया था, पर हम बद्रीनाथ जल्दी जल्दी में ही चले गए कि नहीं मन है मन है चलते हैं। तो ये लाइन ही थी साथियों, आप सभी देख सकते हैं NDRF और SDRF के जवान, ITBP, मैंने बहुत सारे वहाँ नोटिस करे, ये सब जवान वहाँ तैनात रहते हैं आपको प्रॉपर क्यू से ले जाने के लिए। और मंदिर के बाहर तो इतनी भीड़ हो रही है ना ज़बरदस्त, आप देख सकते हैं अभी, मतलब आप ये लगा लीजिए जब से कपाट खुले हैं मैंने वहाँ पता किया, इतनी भीड़ रोज़ाना आ रही है, रोज़ाना। और कम से कम अगर आप आ रहे हैं तो 2 घंटे के लिए दर्शन मान। क्या आप सभी जानते हैं भविष्य में बद्रीनाथ धाम में क्या होने वाला है? ऐसा कहा जा रहा है कि बद्रीनाथ धाम से दूर उत्तराखंड के चमोली जिले में जो एक स्थित गांव है ना, जोशी मठ, जो कि रास्ते में भी पड़ता है हमारे बद्रीनाथ आते में स्थित मंदिर में मौजूद, यानी कि वहाँ एक मंदिर है, वहाँ के मंदिर में स्थित मौजूद एक नरसिंह भगवान की मूर्ति है,
जिसका एक हाथ पतला होता जा रहा है और अभी वर्तमान में उस भगवान की मूर्ति को देखा गया है तो वो एक सुई की होती है ना, सुई के बराबर उसे ऑब्जर्व किया गया है। और ये भी मान्यता है कि अगर जिस दिन वो हाथ टूट के गिर गया उस दिन दो पहाड़ हैं नर और नारायण जो कि एक हो जाएंगे और बद्रीनाथ धाम के रास्ता पूरी तरह से बंद हो जाएगा, यानी कि कपाट हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे, दर्शन हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। क्या हमारे चार धाम में से एक धाम बच पाएगा या नहीं, देखते हैं, आने वाले समय में पता पड़ेगा इस चीज़ का हम सभी को। खैर अभी के आनंद लेते हैं, मंदिर में मेरे दर्शन तो हो गए हैं पर अंदर कैमरा अलाउ नहीं है, आप यहाँ बाहर बैठ के कैमरे से रिकॉर्ड या फोटो कर सकते हैं। फिर मेरी नज़र पड़ती है इस काउंटर की तरफ जो कि बद्रीनाथ की आरतियों के बारे में है कि आपको आरती कौन सी, आप मतलब आरती में हिस्सा ले सकते हैं, आप अपनी अर्चना पूजा करवा सकते हैं। यहाँ ये काउंटर बुकिंग है, यहाँ से पर्ची कटेगी और आपका वो एक स्लॉट बुक कर दिया जाएगा, आपको समय दे दिया जाएगा और उस समय आप जाके अपनी आरती में शामिल हो सकते हैं। फिर उसके बाद ये मिलती है हमें एक दूसरा काउंटर जो कि यहाँ आप कुछ क्या कह सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं कुछ चंदे के रूप में कुछ, तो हम सभी ने जो हम पे बन पाया हमने वो एक चंदे के रूप में यहाँ डोनेट किया। और आप सब भी अगर आएँ तो करें क्योंकि ये केदारनाथ और बद्रीनाथ सेवा समिति के देख रेख में ही होता है, ऐसा नहीं है कि कोई भी कर रहा हो। आपको प्रॉपर ये स्लिप देंगे एक और बड़ा अच्छा लगता है, ऐसा करना चाहिए। और फिर हम इनसे पूछ रहे थे कि अंदर जो चरण अमृत है वो कहाँ मिलेगा, तो उन्होंने बताया कि उधर बैक साइड में मिलेगा। तो मैं और मुनिंदर उसे लेने के लिए व्याकुल थे क्योंकि ये वह चरण अमृत है जो कि अंदर भगवान के क्या कहते हैं स्नान करके या उनके ऊपर से जो आता है ये वो चरण अमृत इकट्ठा करके रखा हुआ है। और इसकी मान्यता ये भी है अगर आप या आपके परिवार में से कोई सदस्य नहीं आ पाया बद्रीनाथ धाम तो अगर इसका भी सेवन कर लें या ग्रहण कर लें तो मनोवैज्ञानिक रूप से वो बद्रीनाथ धाम के दर्शन कर चुके हैं और उन पर भगवान विष्णु की कृपया या दृष्टि हमेशा बनी रहती है। पूर्ण रूप से तन और मन से भगवान के दर्शन करने के बाद हम कुछ एक दो दो फोटो क्लिक करवाते हैं जो कि इतनी अच्छी नहीं आ रही है क्योंकि इस समय दोपहर हो रखी थी और भीड़ यानी कि रश बहुत था। और मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप सभी बद्रीनाथ धाम आ रहे हैं तो आप अर्ली इन द मॉर्निंग ही अगर दर्शन करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। अगर आप यहां दर्शन करने आ रहे हैं तो आप अपनी लिस्ट में एक नाम और ऐड कर लीजिए जो कि माणा गांव, जो कि भारत का सबसे लास्ट गांव भी कहा जाता है और बहुत ही प्रसिद्ध है। तो हम भी उसी सफ़र के लिए चल पड़े थे और आ चुका था फर्स्ट इंडियन विलेज माणा। फर्स्ट इंडियन विलेज माणा, इससे पहले जो यहां बोर्ड लगा हुआ था वो लगा हुआ था भारत का आखिरी गाँव, तो इन्होंने ये चेंज किया है, पर चेंज भी सही किया है। अगर उस तरफ से देखा जाए तिब्बतन बॉर्डर की तरफ से तो ये भारत का पहला गांव है और अगर हम इधर से देखा जाए कि कश्मीर की तरफ से तो ये भारत का आखिरी गांव है। तो सरकार ने इसे पॉजिटिव वे में लिया है यानी कि फर्स्ट बोल के ना कि लास्ट बोल के। तो ये जो आप सामने देख रहे हैं ये स्वर्ग का रास्ता जा रहा है, पांडव लोग यहीं से, जो पांडव थे यहीं से वो स्वर्ग की तरफ गए थे। और मैं इससे पिछली बार जब गया था तो मैं वहाँ एक ट्रैक किया था जो कि वसुधारा वाटरफॉल है, इस बार टाइम के इशू के कारण नहीं कर पा रहे हैं। तो अब चलते हैं घर की ओर जो कि आप देख रहे होंगे गाजियाबाद 505 किलोमीटर, यानी कि घर हमारा अराउंड यहां से 595 किलोमीटर था जो कि आप यकीन नहीं मानेंगे। मैं आप सभी को बताऊं हमने शाम को 6 बजे गाड़ी वहां से निकले थे यानी कि बद्रीनाथ से और अगले दिन सुबह 6 बजे हम आ गए, जिसमें कि 300 किलोमीटर पूरा का पूरा हमने माउंटेन में ट्रेवल किया यानी कि पहाड़ों में। प्लेन सिर्फ हमें हरिद्वार से दिल्ली तक मिला। तो आप सब भी आएँ, आप सभी ये रास्ते देख ही सकते हैं, ये जोशी मठ है और यहाँ क्या ख़तरनाक पहाड़ हैं। आपने अभी सुना भी होगा यहाँ लैंडस्लाइड हुई थी, हमसे हमारा जो दोस्त है वो बोल भी रहा था तो हम फिर भी चले गए। तो हर हर महादेव।